हेलो एवरीवन, तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो पे जो डिस्कस करने में आया हूँ वो है आपका मतलब कोचिंग के मीडियम ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर होगा। मतलब मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूसन नहीं ड्रॉ करूँगा कि हाँ यही बेस्ट है, यही बेटर है, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया दे दूँगा रफ़ कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको ही है। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा इसलिए क्योंकि आप लोगों को एक मतलब आइडिया मिल जाएगा राफली कि मतलब कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सा आपको सूट करता है ज़्यादा। तो चलिए हम लोग पहले जो करेंगे वो ऑफलाइन के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आज भी आप अगर मुझसे पूछे तो ऑफलाइन ही मतलब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर मतलब नीट की बात करूँ तो 16-17 लाख जितने भी एस्पिरेंट हैं तो उनमें से ज़्यादातर प्रतिशत जो होगा वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ही प्रेफर करते होंगे, और उनके मतलब पेरेंट्स भी ऑफलाइन मीडियम को ही ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को उतना मतलब ऑनलाइन जो मीडियम होते हैं इसमें भी मतलब टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, ये मतलब उनको ज़्यादा मतलब रिलायबल नहीं लगता। तो इसलिए आज भी ऑफलाइन ही सबसे मतलब फेमस मीडियम या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस और इफ़ेक्टिव मीडियम माना जाता है। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेंगे कि ऑफलाइन में मतलब क्या क्या होगा और इसका प्रोज और कॉन्स, मतलब इसका कुछ पॉजिटिव होगा और कुछ नेगेटिव होगा, मतलब जो कि हर चीज़ का होता है, कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है, तो उनके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन पहले कर लेते हैं कि मतलब ऑफलाइन में क्या क्या होगा। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट क्या क्या है, मतलब अभी जो कि थोड़ा फेमस है या फिर मतलब कहाँ कहाँ है। तो पहली बात तो आपको पता ही है कि कोटा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे मतलब राजस्थान का जो जयपुर, ऐसे मतलब जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया में, तो सब में ही आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनका मतलब एक आपको मतलब जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उनको मतलब जहाँ पे है वहाँ पे उनको तो इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलना थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन हाँ, उनको मतलब थोड़ा जर्नी वगैरह करके मतलब अगर आप सिटी में आ जाएंगे तो आपको ये मिल जाए, मतलब ऑफलाइन के जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वो मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऑफलाइन के रिनाउंड इंस्टीट्यूट को अगर छोड़ भी दे तो भी आपको मतलब बहुत सारे लोकल इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो कि उतना ज़्यादा मतलब उनका तो वो फेमस नहीं है, लेकिन हाँ वो भी पढ़ाते हैं और उनमें भी मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप मतलब ऑफलाइन के कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट के बारे में पूछे तो आकाश इंस्टीट्यूट है, एलेन इंस्टीट्यूट है, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट है, न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट है, मोशन इंस्टीट्यूट है, मतलब ये सारे मतलब पहले तो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। तो लेकिन हाँ, अभी इनके बहुत सारे सेंटर मतलब डिफरेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इंडिया में तो उनमें भी खुल चुके हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे या फिर नीट एस्पिरेंट वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो मैंने मतलब बेसिक ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट अभी है और उनमें से जो कुछ फेमस है उनके बारे में बताया। अब हम लोग पहले बातें करेंगे कि प्रोज ऑफ ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन, मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में जो भी आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलने वाला है तो वो मैं आपको यहाँ पे मतलब हल्का सा डिस्कस कर दूँगा, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है ज़्यादा। तो पहली बात तो मैं कोई कंक्लूसन नहीं ड्रॉ करूँगा कि ये बेस्ट है, मैं एक मतलब कंपैरेटिव जो डिस्कशन कहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर तो वो कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्टीमेटली चूज़ तो आपको ही करना है। तो पहले हम लोग आते हैं प्रोज ऑफ ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है उनका जो पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है पर्सनल अटेंशन ऑफ टीचर। तो ये आप लोग जो मतलब जो भी कोई मतलब इंडिविजुअल टीचर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी आप पढ़े हैं तो ये चीज़ आपको पता ही होगा कि अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहाँ का जो टीचर है मतलब वो टीचर आपको मतलब पर्सनल अटेंशन देगा। पर्सनल अटेंशन मतलब अगर आपको मतलब इंडिविजुअली आपको भी कुछ अगर तकलीफ़ हो रहा है तो अगर आप उस टीचर को कम्युनिकेट करें तो वो आपका डाउट सॉल्व कर देगा, यहाँ तक कि आपका जो नॉन एकेडमिक भी जो सारे प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करेगा, ये सब करेगा। लेकिन हाँ, इसका प्री कंडीशन है कि आपको मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो होता है कि आपको उनके जो मॉक टेस्ट है या फिर उनके जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, तभी आपको मतलब ये पर्सनल अटेंशन ऑफ टीचर मिलता है।
वरना तो मतलब एक क्लास में बहुत सारे बैचेस होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनमें तो मतलब सबको अगर पर्सनल अटेंशन अगर टीचर देने लगे तो वो तो मतलब उनके लिए भी काफ़ी मतलब टफ हो जाएगा। तो ये पहला आपका मतलब ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मतलब आपको उनका पर्सनल मेंटोरशिप में रखा जाएगा, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, बहुत कुछ ऐसे, ठीक है। और दूसरा दूसरा और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मतलब पॉजिटिव चीज़ है इसमें कि है डाउट सॉल्विंग। तो डाउट सॉल्विंग मतलब डाउट सॉल्विंग तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस विषय में आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन में कोई भी ऐसा चीज़ मतलब इंस्टीट्यूशन या कोई है जो कि मतलब ऑफलाइन में इससे मुकाबला कर पाए, मतलब एटलीस्ट अभी तक। क्योंकि डाउट सॉल्विंग में होता क्या है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपके डाउट के क्लासेस लगते हैं, उनमें आपका मतलब डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लास ही होते हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ ही डाउट सॉल्व किया जाता है। और अगर आप मतलब मॉक टेस्ट या फिर जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे कि मतलब पिछले पॉइंट में मैं बताया कि पर्सनल अटेंशन मिलता है तो पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी वहाँ पर मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे सुविधा है जो कि आपको मतलब ऑफलाइन में मिल जाता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है यह है फोर्स डिसिप्लिन। ये अगर आपको मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम कहना क्या चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि फोर्स डिसिप्लिन मतलब होता क्या है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट करता क्या है कि आपको साल के शुरुआत में ही एक शेड्यूल दे देता है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप अपना मतलब दूसरे चीज़ को प्लान कर सकते हैं। और वहाँ पे होता क्या है, एक वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो अगर आप उनमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको तो मतलब ज़बरदस्ती उनके जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। और मतलब इसीलिए ये फोर्स डिसिप्लिन है, मतलब आपको उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना ही चलना पड़ेगा अगर आपको उनके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है और उनके जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके मतलब आपको अगर बैच अपग्रेड्स करना है या फिर मतलब थोड़े थोड़े इम्प्रूव बैच में जाना है, ये सब जो मतलब होते हैं ना रीशफलिंग टेस्ट बैच का, तो ये सब करने के लिए आपको वो जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करना ही होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जी आपका ये इस मंथ पे तो ये टॉपिक टेस्ट है लेकिन मैं तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है अभी तक, मैं दूसरी चीज़ें पढ़ा हूँ, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस फोर्स डिसिप्लिन का भी मतलब कुछ मतलब पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। कुछ जो पॉजिटिव्स है वो है कि आपको उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना रूटीन सच में बना ले और अगर उसको सच में मेंटेन करते रहें तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट जो मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें मतलब सोचिए जो पहला ऐसा कुछ टेस्ट है तो उसमें बहुत ही मतलब इजी टॉपिक जो है, पहले वाले जो इजी टॉपिक होते हैं वो दिया हुआ है, लेकिन आपका वो इजी टॉपिक मतलब ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है तो मतलब वो आपको मतलब ज़बरदस्ती फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि इसके मतलब नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव दिखी, मतलब पॉजिटिव साइड ही मुझे ज़्यादा लगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑफलाइन में आपको ज़रूर मिलता है, वो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देखिए ऑफलाइन में होता क्या है कि आपको मतलब महीने में दो तीन ऐसे बहुत सारा मॉक टेस्ट होता रहता है, मतलब एक हफ्ता गया एक और मॉक टेस्ट, एक हफ्ता गया कभी कभी सरप्राइज टेस्ट, ऐसे बहुत मतलब टेस्ट पे टेस्ट लगा रहता है ऑफलाइन में ज़्यादातर, मतलब अगर आप रिनाउंड इंस्टीट्यूट और अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें तो ऐसे मॉक टेस्ट को देते देते आप धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होता है, या फिर अगर आपका खुद का स्कोर इम्प्रूवमेंट हो भी नहीं रहा है तो अगर आप देखेंगे कि आपका कोई दोस्त या फिर मतलब आपका कोई जाना पहचाना जो है वो भी मतलब आपकी ही तरह उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है लेकिन वो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है लेकिन आप पढ़ाई में टाइम उससे ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब आपको अब लगेगा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं उससे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं फिर भी मैं उतना ज़्यादा रिजल्ट क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, ज़रूर मेरा प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो रहा है, एफिशिएंसी थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे ऐसे करके मतलब आपको जो मतलब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है जो कि आप अगर हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी मतलब इस प्रोज में भी मतलब कुछ कुछ खामियां हैं। तो यही बेसिकली मेनली था जो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट होते हैं मतलब तो उनके जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट होते हैं यही मेनली था। तो
इसके बाद हम लोग आएंगे अगले हमारे अगले स्लाइड पे, जो कि हमें बताएगा कि कॉन्स ऑफ ऑफलाइन, मतलब जो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ मतलब खामियां भी हैं, तो वो जो खामियां हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले तो मैं बता दूँ कि अगर आप मुझसे खुद से पूछे तो मैं मतलब थर्ड अटेम्प्ट ऑफ नीट में मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था वो एकदम मतलब ऐसा होता है ना कि घूमने चले गए देखते हैं क्या होता है, वैसे दिया था। और सेकेंड अटेम्प्ट जो दिया था वो मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ के दिया था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल कोचिंग में। तो मेरा अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो ऑफलाइन मेरे लिए उतना सूटेड नहीं था, क्योंकि मैं एक मतलब एवरेज स्टूडेंट था। तो इसीलिए मतलब इस बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँगा कि यहाँ पे जो ऑफलाइन कॉन्स ऑफ ऑफलाइन है, तो इसमें मतलब मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप खुद भी एवरेज स्टूडेंट है तो आपको ये सब चीज़ को मतलब दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात तो है यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है, जो कि मतलब आपने अगर वो कोटा फैक्ट्री वाला मतलब वेब सीरीज़ देखा है तो उनमें भी आप देखे होंगे कि 1% रैंक एंड रिमेनिंग आर बैंक। मतलब होता क्या है कि बहुत जो ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं तो उनमें से मतलब सभी लोग तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। मतलब अगर आप मतलब सिर्फ कोटा जो शहर है तो कोटा में ही ले ले तो वहाँ पे इतने लोग नीट के प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सीट तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट सीट अगर पूछे तो अराउंड 40,000 ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कोटा से सिलेक्शन हो रहा है, पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट है सभी से सिलेक्शन हो रहा है। तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ कोटा से ही कोटा में उस मतलब एक्स इंस्टीट्यूट या वाई इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया तो ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मतलब मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी से भी देखें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट में जनरली होता क्या है कि यही रूल चलता है कि उसमें वो लोग मतलब जो उनके कोचिंग के जो मटेरियल होते हैं वो लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो मतलब उनके जो रैंकर्स मतलब टॉप 100 रैंकर या फिर टॉप 10 रैंकर, यहाँ तक कि टॉप 500 रैंकर तक के लिए भी मतलब बनता है, वो मतलब एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए जनरली नहीं होता। और वो लोग उन एवरेज स्टूडेंट पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, जो कि मतलब मेरे साथ हुआ था। जो मैं इंडिविजुअल टीचर के पास जो पढ़ता था तो वहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ता था इंडिविजुअल टीचर के पास, तो वहाँ पे मैं एवरेज या तब तो अगर कहें तो बिलो एवरेज था। तो इसलिए मतलब कोई पर्सनल अटेंशन भी नहीं, कोई कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और अल्टीमेटली मेरा वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट के अलावा कुछ हुआ है तो मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता, टाइम वेस्ट ही हुआ है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोचिंग वाले, अगर आप मतलब एवरेज स्टूडेंट हो तो आप मतलब आपके लिए कोई वो लोग देखेगा नहीं, मतलब आपके तरफ वो घूम के भी नहीं देखेगा, वो लोग अपने रैंकर जो है उनको लेके ही ज़्यादा मतलब कंसर्न्ड होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो दूसरी पॉइंट पे भी मैं वही चीज़ें यहाँ पे बोला है कि रेयर चांसेस ऑफ गेटिंग पर्सनल अटेंशन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। तो यही बात मैं आपको अभी डिस्कस किया कि आपके साथ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपके लिए मतलब जो पर्सनल अटेंशन, पर्सनल जो गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोग्राम जो होते हैं वो मतलब आपके लिए अवेल करना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा। हालांकि वो जो रैंकर है और आप दोनों ही सेम अमाउंट पे कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपको मतलब उसके तरह जो अटेंशन नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप अच्छे मतलब हर मॉक टेस्ट में धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जी हाँ ज़रूर वो आपको आप पर ध्यान देगा और आपको मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट लिखा है ये एक अच्छा पॉइंट है कि यू कैन नॉट बी चूजी फॉर टीचर, क्योंकि अगर आप मतलब ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट देखें तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मतलब आपका एक बैच है तो उस बैच में सिलेक्टेड कुछ टीचर है, उसी टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचिए मैं एक कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जो बायोलॉजी के टीचर है वो तो मतलब बहुत ही मतलब घटिया पढ़ा रहे हैं, मतलब शायद ये लैंग्वेज यूज़ करना सही नहीं है, लेकिन मतलब उनका पढ़ाया हुआ चीज़ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हालांकि फिजिक्स के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, केमिस्ट्री भी मतलब अच्छा ही है। तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं वही बैच में पढ़ता हूँ। वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि पूरा एकदम इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, क्योंकि पैसा भी पे किया है, और अगर छोड़ के किसी दूसरी मतलब इंस्टीट्यूट में भी भर्ती हो जाऊँ तो मतलब यहाँ पे तो मुझे फिजिक्स अच्छे से समझ आता है, हो भी सकता है कि वहाँ पे चला जाऊँगा तो वहाँ पे फिजिक्स ही समझना आए।
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि इसका भी सॉल्यूशन है कि आप मतलब जिस सब्जेक्ट का मतलब आपको आपको प्रॉब्लम आना है वो आप मतलब इंडिविजुअल किसी टीचर से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको वहाँ पे कोचिंग में उस चीज़ का क्लास करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा क्या बहुत ही टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और इस चीज़ को मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसका भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब एक सब्जेक्ट का टीचर था तो वो तो मतलब ऐसा पढ़ाता था कि मतलब हमें डिमोटिवेट करके छोड़ता था। मतलब वहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता था और कॉन्फिडेंस मतलब एकदम ज़मीन के नीचे मतलब चला जाता था। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो है कैन बी एक्सट्रीमली कॉस्टली। तो ये कैन बी क्या, ज़्यादातर जो रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो सोचिए अगर आप गांव के बैकग्राउंड से हैं तो आपको वहाँ पे हॉस्टल या पीजी में रहना पड़ेगा, तो आपके लिए और भी ज़्यादा मतलब ये कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। यहाँ 1 लाख 1.5 लाख से शुरू करके ये 2-2.5 मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, जो कि मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब सब इतने ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड कर भी पाएंगे। और जनरली कोचिंग में एक सुविधा होता है कि वहाँ पे एक मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे अच्छे परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ मतलब छूट मिल जाती है, ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट से। लेकिन फिर से अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मतलब आप तो वो आपके लिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो वो कोचिंग के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा तो उसमें आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो मतलब इन सब का ही मतलब कॉन्सिक्वेंस है, कैन गिव यू इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जब आप मतलब एक एवरेज एज ए एवरेज स्टूडेंट अगर आप किसी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे मेरे बगल में जो बैठा था कुछ दिन पहले मतलब वो उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन आप वो मतलब जो एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है उसमें भी वो मतलब आंसर दे पा रहा है। मॉक टेस्ट में मतलब अगर नीट की बात करें तो मॉक टेस्ट में आपको लग रहा होगा कि अरे मैं भी तो पढ़ा हूँ, मेरे नंबर सिर्फ 300-400 आए हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो मतलब कुछ दिन पहले मुझसे भी कम लाता था, लेकिन अभी मतलब ये जेई मेंस या मतलब बहुत ही टफ लेवल का जो पेपर है इसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब 550-600 के आसपास नंबर ला रहा है। तो इससे आपको क्या हो सकता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। लेकिन इसका अगर प्रैक्टिकली पूछे तो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे कोचिंग का जो मॉड्यूल होते हैं तो वहीं से जनरली क्वेश्चन आते हैं, जो कि मतलब कभी कभी होता है कि कोचिंग मॉड्यूल मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। हालांकि उतना आई डोंट थिंक नीट के लिए ज़रूरत होता है, लेकिन हाँ अगर कोई वो चीज़ पढ़ रहा है तो मतलब कोचिंग के टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए उसको। और ऐसा ही चीज़ आपके साथ हो रहा है कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब और असली एग्ज़ाम में आपको इसका फल मिलेगा, लेकिन हाँ कोचिंग के जो मतलब सब्जेक्ट वाइज जो या फिर मतलब मंथली जो टेस्ट होते हैं उनमें आपको उसका ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको दिख जाएगा कि आपके कोचिंग के मॉड्यूल में है। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब प्रोज ऑफ ऑनलाइन में एक और चीज़ मैं शायद जोड़ना भूल गया कि कोचिंग में आपको कोचिंग मॉड्यूल मिलता है जो जिससे कि आप मतलब थ्योरी पढ़ने का काम चला सकते हैं, जो कि मतलब कुछ कुछ कोचिंग होते हैं जिनके कि मॉड्यूल बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा नॉलेज चाहिए एनसीईआरटी के मतलब बियॉन्ड तो भी आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं, या फिर अगर आप एनसीईआरटी लेवल का भी चाहते हैं तो भी वो और उसमें मतलब बहुत सारा मतलब आपको पास क्वेश्चन होता है, मतलब जिसको कि आप क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं, मतलब एक एक चैप्टर का 400, 300, 500 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हम जितना चाहे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में मतलब बैठ के। तो ये भी एक ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट होता है उनका एक पॉजिटिव चीज़ है। और उसी चीज़ का ही अगर मतलब कॉन्स निकाले तो वहाँ पे कोचिंग के कुछ कुछ कोचिंग के ऐसे मॉड्यूल होते हैं कि जिसमें तो मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें MBBS फर्स्ट ईयर लेवल का ही डाटा दिया हुआ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट का है तो वो दिया हुआ होता है, जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ऑफलाइन के बारे में एकदम डिटेल्ड एनालाइज कर लिया। अब हम लोग आएंगे ऑनलाइन पे, जो कि अभी मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कोविड के टाइम से। तो ऑनलाइन जो है ये मीडियम शायद आपके मतलब माता पिता जो है
उनको आप कन्विंस नहीं करवा पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो लोग इतने मतलब ये जो मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में जो चीज़ है ये सब के बारे में उतना वो लोग मतलब जानते नहीं है। तो इसीलिए ऑनलाइन मोड मतलब ये अभी तो कोविड के टाइम में ये फेमस हुआ, अगर आप 2017-16 में भी चला जाएंगे तो यहाँ पर मतलब ऑनलाइन कुछ ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल था ही नहीं। तो ऑनलाइन में जो होता है मेनी प्लेटफॉर्म है लाइक अन अकेडमी है, बायजूज है, फिजिक्स वाला है जो कि मतलब अभी तो मतलब वो सबसे ज़्यादा आई थिंक ट्रेंडिंग में है, फिजिक्स वाला सर जो है अलक पांडे, या फिर इसके अलावा भी आपका वेदांतु है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है। और एक है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट करेंटली ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब वो जो आपका आकाश एलेन ये लोग भी अभी अभी मतलब ये कोविड के टाइम के बाद से ही वो लोग अपना ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऑनलाइन वो लोग जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है, मतलब उनके ऑफलाइन के मुकाबले तो कम होता है लेकिन फिर भी ये काफ़ी कॉस्टली होता है, मतलब रिमेनिंग अवेलेबल ऑप्शन के वगैरह। और अगर YouTube के बारे में आप बात करें तो YouTube हैज़ ओशन ऑफ कंटेंट, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अमाउंट भर भर के मतलब आप जितना चीज़ आप ढूंढेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे, मतलब क्या कहें मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियो है मतलब नीट के बारे में, नीट के मतलब वो लोग डेडिकेटेडली पढ़ाए हैं नीट के लिए, ऐसा भी वीडियो मिल जाएगा। तो पहले हम आते हैं कि प्रोज ऑफ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो है पहली बात तो डायरेक्ट फ्रॉम होम क्यों पॉजिटिव है कि आपको मतलब कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग एकदम घर में बैठ के ही घर से वो कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं घर में आपको कोई मतलब कोचिंग में जाने के, अगर आप दूर कोई किसी कोचिंग में जाएं तो वहाँ पे जो मेस होता है पीजी होता है उसमें जो पे करता है करना पड़ता है वो एकदम आपको मतलब नहीं करना पड़ेगा, आप घर में बैठ के जब चाहे पढ़ सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इट सेव्स टाइम, तो ये जो टाइम सेविंग वाला पॉइंट है ये आपको मतलब ऑफलाइन से बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आपके घर से सोचिए अगर आप 1-1.5 घंटा दूर इंस्टीट्यूशन है तो आपको जो जर्नी टाइम है वो मतलब 1-1.5 घंटा जाने का, 1-1.5 घंटा आने का, फिर मतलब जर्नी के लिए कुछ जो लैग होता है, तो मतलब जो होता है ना थोड़ा मतलब हम टायर्ड हो जाते हैं जर्नी के बाद, तो वो सब मिला के मतलब आपका तो 4 घंटा वैसे ही वहीं पे खा जाता है, तो वो आपको ये बचा देगा। जैसे कि आप अगर मेरी बात करें तो मैं एक कोचिंग में पढ़ता था जो मेरे घर से 2.5 घंटा दूर था, तो वहाँ पे जाने आने में ही मेरे मतलब 6 घंटे वेस्ट होते थे, तो उस 6 घंटे में से अगर मैं आधा भी चीज़ मतलब घर में सेल्फ स्टडी करता तो आप सोचिए कि कितना वो पॉजिटिव होता है, वहाँ पे तो मुझे सिर्फ जाने आने में ही इतना टाइम वेस्ट हो गया, और इसके बाद मतलब जितना जाने आने का टाइम है उससे कम ही अमाउंट हम वहाँ पे पढ़ पाते थे। तो ये एक आपका ऑनलाइन में जो पॉजिटिव चीज़ है। थर्ड जो ऑनलाइन का पॉजिटिव है वो है ये कि मेनी चॉइसेस अवेलेबल, मेनी चॉइसेस मतलब बहुत सारे चॉइस हैं, आप YouTube में अगर आप देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टीचर है और सभी अच्छे अच्छे टीचर हैं, मतलब ज़्यादातर टीचर बहुत अच्छे हैं, वो लोग एकदम डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं। या फिर अगर आप प्लेटफॉर्म में भी देखें अनअकैडमी या फिर बायजूस, तो वहाँ पे भी एक कोई अकेला टीचर नहीं है जो कि सब पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे मतलब डेडिकेटेड टीचर होते हैं और बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि आपको पढ़ा सकते हैं। आपको अगर किसी एक्स टीचर से समझ नहीं आया तो ठीक है मैं वाई टीचर से भी देख सकता हूँ, वाई से समझ नहीं आया जेड से भी देख सकता हूँ, तो बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव, तो कॉस्ट इफेक्टिव में आपको पता ही है कि मैं यूट्यूब के बारे में अगर बात करूँ तो ये इट कैन बी फ्री, तो यूट्यूब में अगर यूट्यूब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तो कोई मतलब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में तो सारे ओपन सोर्स है, कोई भी देख सकता है कभी भी देख सकता है। और अगर आप यूट्यूब ना भी बात करें तो भी मतलब ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हाँ अगर आप मतलब जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो लोग जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, और जो अनअकैडमी वगैरह ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स वाला देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और हालांकि ये कोई मतलब फिजिक्स वाला का प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप कम कॉस्ट में क्वालिटी भी चाहते हैं तो वो
रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चूज़ तो आपको ही करना है कि आपको क्या चाहिए। मतलब सभी लोग अच्छे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी में बेहतर टीचर है फिजिक्स वाला से या फिजिक्स वाले में बेहतर टीचर है अनअकैडमी से। सभी में टीचर बहुत अच्छे हैं, वो लोग मतलब पूरे डेडिकेटेडली आपको पढ़ाते हैं, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि मतलब आप एज ए स्टूडेंट अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे टीचर तो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है हमारे लिए। तो ऐसा आप मतलब देख सकते हैं। और जो लास्ट जो हमारा ऑनलाइन में जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो है लर्न एट योर ओन पेस। मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज़ में थोड़े मतलब वीक है तो उनको आप धीरे धीरे समझ सकते हैं, मतलब आप स्पीड को थोड़ा स्लो करके चल सकते हैं, आप उसको वीडियो को पॉज करके फिर से मतलब रिवाइंड करके समझ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। या फिर सोचिए अगर कुछ टॉपिक है जो कि आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर आप उसको मतलब स्पीड से देख सकते हैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए। ऐसा बहुत सारे चीज़ आपको मतलब ऑनलाइन में मिलता है जो कि आपको मैंने जितना बताया ये तो मतलब बहुत ही कम है। आपको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको और भी मतलब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे आपको। मतलब वो सिर्फ ऑनलाइन में ही नहीं, ऑफलाइन में भी और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्स ऑफ ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन जो है ये जो मीडियम है ऑनलाइन मीडियम में जो जो मतलब थोड़े ड्रॉबैक्स है तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँगा। तो पहली बात तो है इन सी ऑफ कंटेंट यू मे गेट कन्फ्यूज। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मतलब ऑनलाइन सिर्फ आप अनअकैडमी का ही प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले या फिर यूट्यूब में ही देख ले तो मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंटेंट है, लेकिन आपके पास टाइम तो लिमिटेड है और टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। तो मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे सिलेक्टिव होना होगा और आपको स्मार्ट होना होगा कि मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को मैं 5 टीचर से पढ़ लिया 10 टीचर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना होगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो मतलब ऑनलाइन में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में कंटेंट है, अच्छा चलो इनसे भी पढ़ लिया उनसे भी पढ़ लिया, ये नहीं करना चाहिए आपको। और YouTube में तो ऐसा होता ही है कि YouTube के एक वीडियो देख रहा हूँ तो नीचे में बहुत सारा सजेशन में आ गया तो चलो उस लूप होल में मतलब आप फंस जाओ, तो ये एक होता है। दूसरा जो है वो है नो एक्टिव इंटरेक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अभी जो होता है कि मतलब पहले जो होता था कि रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब मिलते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर के भी मतलब अपने कुछ मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मतलब टीचर के साथ जो टीचर या फिर आपके जो दोस्त हैं उनके साथ एक्टिव इंटरेक्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं। आप अपने घर में अकेला एक मतलब स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ऐसे होते हैं। और मोस्टली क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तो जब से थोड़ा इंटरनेट ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है इंडिया में, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करते क्या है कि लाइव सेशन लेते हैं, तो उसमें भी आप मतलब एक्टिव इंटरेक्शन कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी मतलब कुछ नेगेटिव्स है, क्योंकि जो अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो मतलब कुछ लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए ही आते हैं और उल्टा सीधा मतलब कॉमेंट्स में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो वो भी मतलब यहाँ पे एक कॉन्स में ही आएगा, नेगेटिव चीज़ में ही आएगा। और जो थर्ड जो नेगेटिव में आ रहा है वो है नो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग जनरली। ये भी जनरली, क्योंकि अभी मतलब रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है वो भी मतलब ये डाउट सॉल्विंग के डेडिकेटेड क्लास वगैरह, डाउट सॉल्विंग के टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे बना रहे हैं, वहाँ पे डाउट सॉल्व कर रहे हैं। वरना अगर रिकॉर्डेड लेक्चर होता तो आपको तो मतलब डाउट सॉल्विंग का कोई मीडियम नहीं मिलता, तो आपका मतलब जितना आपको डाउट बढ़ता जाता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उतना मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आने लगता। तो ये भी एक मतलब कॉन्स ऑफ ऑनलाइन में आता है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है ये भी मतलब वही जो पहला पॉइंट है उसका ही मतलब कंटिन्यूएशन है कि नो डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो आप मतलब एक मॉक टेस्ट अगर आप दिए तो आपको जो मतलब सोचिए आप मॉक टेस्ट दिए तो आपको 4000 में से आपका रैंक आया 200, तो आप जो 200 रैंक आया तो आपसे आगे जो 199 लोग हैं तो वो लोग मतलब कैसे आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आपको उनसे सीखना चाहिए, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। मतलब उनके साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग सब वर्चुअली प्रेजेंट है, मतलब किसी का कोई किसी को नहीं जानता कि कैसे परफॉर्म मतलब कैसे वो इतना नंबर ला रहा है कि या फिर कैसे वो प्रिपेयर कर रहा है, कोई नहीं जानता। ये एक मतलब बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है मुझे ऐसा लगता है।
अच्छा, जो इसके बाद वाला पॉइंट है ये YouTube के लिए वैलिड है कि फॉर प्लेटफॉर्म लाइक YouTube यू मे एंड अप किलिंग टाइम, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि YouTube में जो होगा कि आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आपके नीचे बहुत सारे मतलब ऐसे आ जाएगा, आप एक्स देख लिया तो वाई भी देख लो जी, वाई देख लिया तो जेड भी देख लो जी, अब जेड देख लिया तो फिर से आप ए में चले जाओ, ए बी सी, ऐसे मतलब एक मतलब इनफाइनाइट लूप होल जो कहते हैं, तो उसमें आप फंस जाओगे तो और अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक ऑनलाइन मतलब स्पेसिफिकली अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर कौन सा है, अगर यूट्यूब की बात ना भी करें तो भी जो मतलब बाकी के जो है अनअकैडमी या प्लस में जो मिलते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे टीचर, अच्छा चलो इससे पढ़ लिया, इनसे पढ़ लिया, फिर उनसे पढ़ लिया, उसमें भी आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने डिस्कस कर लिया कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूशन है तो उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो नेगेटिव साइड के बारे में। अल्टीमेटली अब हम पहुंच चुके हैं कॉन्क्लूसन के तरफ, तो हमें कॉन्क्लूसन की हमें क्या करना चाहिए, हम अगर नीट 2022 या 23 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं या फिर हम फ्रेशर है प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये मतलब आपको यहाँ पे कॉन्क्लूसन से मिल जाएगा। आपको पहला ही मतलब मैं बता देता हूँ कि ईच मीडियम कम्स अप विथ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, सो अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड व्हिच सूट्स यू बेटर। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि आपने देखा कि दोनों ही मीडियम पे कुछ पॉजिटिव्स है कुछ नेगेटिव्स है, तो ये ऑफलाइन में भी है ऑनलाइन में भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ आपको सूट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑनलाइन की कुछ चीज़ें कॉन्स जो है वो आपके आपको मतलब नहीं लगता कि ये आपको अफेक्ट करेगा तो ऑनलाइन आपके लिए बेटर है, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऑनलाइन में ये सब इंटरेक्शन नहीं होता इससे मेरा परफॉर्मेंस गिर जाएगा तो ऑनलाइन भाई साहब आपके लिए नहीं है, आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा ऐसा, तो ये आपको ही डिसाइड करना होगा अल्टीमेटली। मैं तो एक मतलब डिस्कशन कर रहा था कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। अच्छा, जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू आर वेरी मच सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड टू क्लियर द एग्जाम देन एनी टाइप ऑफ मीडियम वोंट बी अ बैरियर फॉर यू। तो अगर आपको मतलब ऐसा आपके अंदर जोश है आपके अंदर आग है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है मुझे ये एग्ज़ाम को फोड़ना है तो आपके लिए ये मीडियम कोई बैरियर नहीं होने वाला, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब जिनका जो आर्थिक स्थिति है वो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ उनके अंदर आग है कि नहीं मुझे ये क्लियर करना है, तो वो घर में बैठ के सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ मतलब मिराकुलस कर सकते हैं या फिर वो ऑनलाइन पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली डिसाइड आपको करना है और आपके जो सरकमस्टेंसेस है वो मेरे से मैच नहीं करेगा, तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अच्छा, जो थर्ड जो कंक्लूजन जो पॉइंट है ये है कि इफ़ यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डिटरमाइंड देन यू शुड गो फॉर ऑफलाइन बिकॉज दे हैव फोर्स डिसिप्लिन। तो फोर्स डिसिप्लिन क्या चीज़ होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं घर में अगर मतलब घर में पढ़ के मैं नहीं होगा मैं बोर हो जाऊँगा, मतलब ऑनलाइन है ठीक है पढ़ा है मतलब कर लेंगे, बैकलॉग बनता जा रहा है, प्रोकेस्टिनेशन हो रहा है, मतलब प्रोकेस्टिनेट करते हैं आप, तो आपके लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए ऑफलाइन ही मतलब बेस्ट मीडियम हो सकता है। यही मतलब मेन जो दो कंक्लूजन है, तो इनको ही मतलब देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेड है। प्रो टिप्स, तो प्रो टिप्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मतलब सबके लिए है, चाहे वो एवरेज हो बिलो एवरेज हो मीडियोकर हो अच्छा स्टूडेंट हो सबके लिए। अल्टीमेटली हार्ड वर्क मैटर्स, आपको अपना रूटीन फिक्स्ड करना है, डेली वर्क करना है, डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करते जाइए, ज़्यादा मतलब बैकलॉग या सब इन सब के चक्कर में मत पड़िए, डेली वर्क कीजिए। और आपको जो हार्ड वर्क कर रहे हैं पहले थोड़े दिन आपको मतलब बुरा लगेगा कि क्या यार क्या कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको मतलब याद आएगा कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया था इसीलिए मुझे मिल रहा है ये सीट मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और दैट्स वाई ए ग्रेट पर्सन हैव सेड हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो ये मतलब मैंने भी
अपने प्रिपरेशन टाइम में कहीं सुना था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये बात कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो अल्टीमेटली आपको हार्ड वर्क ही करना है। आप कह सकते कि नहीं मेरे में तो दिमाग नहीं है, मैं एवरेज हूँ, फिर भी आप हार्ड वर्क कीजिए। आप हार्ड वर्क के थ्रू एक टैलेंटेड बंदा को भी बीट कर सकते हैं अगर वो टैलेंटेड बंदा आपकी तरह हार्ड वर्क ना करे। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का समाप्त, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तो मैंने जो बताया ये सब आपको ध्यान रखना है, और ये सब ध्यान रख के ही आपको अल्टीमेटली चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं फिर अगले कुछ वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।